नमस्कार दोस्तों, आज हम चंडिका देवी टेंपल आए हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे कुल देवी में से एक है, तो आज ये मंदिर दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये नए गांव में जू चंद्रा गांव में पड़ता है। आप ये नए गांव के रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं और आपको यहाँ से बस या रिक्शा मिल जाएगा। चंडिका देवी टेंपल बोलेंगे तो कोई भी आके छोड़ देता है। और ये 400 फीट ऊंचा है, तो अभी तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। और हमारे जितने भी देवी है सब ऊंची जगह पर है। अब हमको ये तो चढ़ना पड़ेगा। और बैक साइड से भी आएंगे तो वहाँ पे लिफ्ट भी है, लेकिन मैं चढ़ के ही जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए लिफ्ट है। लेकिन मैं अभी चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बीच में रुक गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम चढ़ोगे थोड़ा थकावट लगता है, क्योंकि अपने को चढ़ने की आदत नहीं है। और फाइनली हम चढ़ गए हैं और ये मंदिर के एंट्री लेने वाले हैं। ये बहुत अच्छा जगह है और ये हम चढ़ गए हैं और यहाँ से नीचे देखते हैं, देखिए कितना नीचे है। अगर आएंगे तो आपको इतना चढ़ना पड़ेगा। और ये हम मंदिर में आ गए हैं और ये हमारी चंडिका देवी माता जी है। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। और आप कभी भी आए, बहुत अच्छे से दर्शन होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होता यहाँ पर। अगर आप नहीं चढ़ सकते तो देखिए यहाँ पे पीछे दिया हुआ है लिफ्ट का भी। और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और इधर देखो बहुत अच्छा बैठने का जगह बनाया हॉल। और ये पहाड़ से बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू भी दिखता है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा हवा आता है। अगर कभी भी आप आएंगे ना बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है। आप दर्शन करके थक गए हो तो यहाँ पे आराम से हॉल में बैठ सकते हैं और आपको बिल्कुल थकावट का एहसास नहीं होगा, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू है और कितना ऊपर है। यहाँ से पूरा आप अच्छी से नज़ारा देख सकते हैं और नीचे बहुत अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। और आप ज़रूर बताइए कैसा लगा। और ये मैंने पीछे से लिया है, और पीछे से चढ़ेंगे तो यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है ऊपर तक। आकर आप दर्शन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।